लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना आप, वापस वो FATF लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप। FATF का प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पे है, अगर सारे मनी लॉन्डरर बैठे हुए हैं बरतानिया में, भारत को कोई नहीं पूछ रहा इस मामले। सर मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आपने इतनी मिसालें दी हैं सर, उन्होंने तो, मसला सारा ये है कि भारत को इसलिए नहीं पूछा जाता कि भारत ने एक तो एक्सटेडिशन ट्रीटी किया हुआ है, दूसरा जगह भारत उनके साथ क्लाइमेंस। क्या हम FATF की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो FATF हमसे नहीं कह रही? कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं सिचुएशन से, चाइना वगैरह, वो बहुत वो समझते हैं, तीन चार मुल्क जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि ग्रे लिस्ट से निकलना इतना जरूरी नहीं है जितना ब्लैक लिस्ट से बचना जरूरी है। आप अगर ग्रे लिस्ट में रह भी जाते हैं तो बड़ी बात है, व्हाइट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ब्लैक में चले जाते हैं तो फिर खाना ही खराब है। कल पाकिस्तान के संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और इसमें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कहने पर एक मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने संबंधी बिल को पास कराया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था और पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आता था और उसका उपयोग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद फैलाने सहित अन्य देशों में भी आतंकवाद फैलाने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की सहमति भी थी। इस बिल का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था क्योंकि यह ऐसा काला कानून है जिसका उपयोग विपक्षी दलों के ऊपर भी किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने विपक्षी दलों में फूट डालकर इस बिल को किसी तरह पास करा लिया है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि सरकार चाहे कोई भी बिल पास करा ले, FATF में भारत की इतनी चलती है कि वह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कराकर ही छोड़ेगा। अगर किसी कारणवश पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाया तो वह ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, वह इस लिस्ट से बाहर नहीं निकल सकता। आज की इस चर्चा में पाकिस्तान के उसी डर को शब्द चित्र में प्रस्तुत किया गया है, आइए सुनते हैं। FATF का मामला जिसमें पाकिस्तान में अब कानून साजी की जा रही है, पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट का सामना है और ये पाकिस्तान पर मुसलसल थ्रेट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आ जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला जिसमें पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पैसा बाहर जा रहा है, किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मामला एक आम आदमी के लिए लग रहा है, लेकिन अगले आने वाले वक्त में अगर इस पर कानून साजी और सख्ती के मामलात न किए गए तो पाकिस्तान के लिए कारोबार करना भी और बाहर आना जाना भी मुश्किल हो सकता है। FATF में हमने किसकी डिमांड्स पूरी की है? वो ये था घर को ठीक कर लें, पहले अपने घर को ठीक कर लें, उस पर बड़े इल्जाम लग गए, गद्दार है, बागी है, चोर है वगैरह वगैरह। लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना आप, वापस वो FATF लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप। मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में और क्या जरिया, मुझे नहीं पता। छोड़े पोजीशन को, बहुत छोटी बात है, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में और क्या मुतालबात होंगे। हम मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारा इख्तदार आला किस हद तक और FATF हासिल करेगी। क्या हम FATF की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो FATF हमसे नहीं कह रही? ये एक प्रोपेगेंडा जो भारत दे के चला और जितने उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए उनका वो मलबा डालता रहा पाकिस्तान पे और हर आने जाने वाले से वो एक जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता रहा, जो भी उन्होंने अमेरिकन से भी करवाया है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये टेररिज्म बंद करे, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमेरिका को भी सूट करता था, हमें लाके उन्होंने वहां खड़ा कर दिया FATF में और शवाहद किसी के पास नहीं है, किसी के आज दिन तक कोई किसी का सबूत नहीं आया। नतीजा ये कि आप किसी का ट्रायल भी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब आपको वहां पे उन्होंने रखा, 27 पॉइंट आपके सामने रख दिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, हम पूरे पे उन पे अमल नहीं कर सके। उनमें खास तौर पे वो पॉइंट हैं जो कि जिन पे कानून बनने थे, जो आज अभी 13 नुकात हैं, उनमें से कुछ पे ये कानून बन गए, कुछ का काम अभी रहता है। अक्टूबर में आके मीटिंग है जी। और ये एक चीज वाजह है, पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने इतना वक्त दिया कि अब अक्टूबर सामने है और आप कानून पास कर रहे हैं, इतने थोड़े वक्त में आपकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो
वो भी उन्होंने देखनी है कि क्या कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि इस पीरियड में इतने थोड़े वक्त में कोई केसेस तो नहीं चलेंगे। नतीजा ये कि ये काम अधूरा है। लेकिन अगर आप पिछली रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने लास्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन कर लेगा इन चीजों पर, लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो चले हैं और पाकिस्तान अभी तक लटका हुआ है। किसी चीज पे अमल, कोई पॉइंट्स हैं जिन पे पार्शियल अमल हुआ है, कुछ पे हुआ ही नहीं। और अब हम ये वो मुश्किलात हैं जो आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं। और इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं सिचुएशन से, चाइना वगैरह, वो बहुत वो समझते हैं 3-4 मुल्क है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाज़े है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां सिर्फ एक हवा का झोंका चाहिए आपको जोरदार, तो आप खड़े में होंगे। और अगर ये कौमी मफाद का यकीनन मामला था, अपोजिशन यकीनन सियासत कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। ये जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी की, अगर इतना अहम मामला था तो शायद ये जॉइंट सिटिंग की जरूरत ना पड़ती, नेशनल असेंबली और सेनेट से ये पास हो जाता। IMF में हम लेट गए, FATF में हमने देर की है, दीगर मामलात में हमने देर की है, कराची में हमने देर की है, और शुगर में माफिया में हमने देर की है, अद्वियात में हमने देर की है, आटा में हमने देर की है। मेरा मतलब है कहीं इस हुकूमत ने अपोजिशन को दबाने के अलावा कोई काम टाइमली किया है? ये भी तो कोई देखने की बात है कि कोई काम टाइमली हुआ है। सिर्फ अपोजिशन पर मुकदमात बर वक्त बने हैं और उनकी गिरफ्तारियां बर वक्त हुई हैं, और उसी के नतीजे में आज जो खदशात हैं, जो नेशनल कंसेंसस नहीं हो सका है, ये उसी का बैकड्रॉप है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 साल किया है उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो साहेब जिन्होंने शारजा क्रिकेट शुरू की, अब्दुलरहमान रजा, ये $20 भेजा करते थे हिंदुस्तान में जहाँ ये पढ़े हैं वो, और एक मदरसे को भेजते थे, मुसलमान मदरसा। उन्होंने उनको, उनकी बीवी को पकड़ लिया कि जी आप टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं। अब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं, अथॉरिटीज़ किसी को प्रेशर करना चाहे, किसी को कजोल करना चाहे, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप सेपरेट करो, आप बिल्कुल जहाँ टेरर फाइनेंसिंग के उसको पकड़ो, हम तो सारे कहते हैं पाकिस्तान में पकड़ो, लेकिन अननेसेसरी लकुना और ये लॉ जो अंदर ले आते हैं इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज आज की हुकूमत है, कल ये अपोजिशन में अगर जाएंगे तो ये भी उतने ही इफेक्टिव होंगे या अफेक्टेड होंगे जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बेंचे से ये बात आ रही है। आपने जो परचर्चा सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान 2018 से FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए कवायद जारी है। FATF के ग्रे लिस्ट में जाने के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार है। जब पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री लादेन को शहीद का दर्जा देंगे, पाकिस्तान के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओपनली स्वीकार करेंगे कि मुंबई में हम लोगों ने ही चरमपंथियों को भेजा था, जब पाकिस्तान सरकार लगातार भारत के जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथियों को भेजेगी, तो FATF के ग्रे लिस्ट में जाना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है, पूर्व में भी 2012-15 की अवधि में पाकिस्तान इस लिस्ट में रह चुका है। जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।